हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हर एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे देश के सबसे लंबे पुल और सड़क रेल पुल के बारे में बात करेंगे और इमेज के माध्यम से देखेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, देखिए ये नदी तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है, यह तीन देश से होकर बहती है, ध्यान दीजिएगा, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। इससे रिलेटेड एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, सभी पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से हुआ है, यानी यह नाम याद रखिएगा। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह नदी अपने उत्पत्ति स्थान से पश्चिम से पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर हिमालय श्रेणी के समानांतर बहती है, उसके बाद दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाते हुए नाम चबरवा सादिया अरुणाचल प्रदेश के निकट हिमालय को काटते हुए गहरा कैनियन का निर्माण करती है, जहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट है दिबांग और लोहित नदी इसके बाहरी तट से मिलने वाली मुख्य नदियाँ हैं। इन दोनों नदियों का नाम याद रखिएगा, दिबांग और लोहित। इसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब यह दो नदियां दिबांग और लोहित इससे मिलती हैं तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम की ओर 750 किलोमीटर तक असम घाटी में बहती हैं और इसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। बांग्लादेश में तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र के दाहिने किनारे पर मिलती हैं, तब इनकी जो संयुक्त धारा है जमुना कहलाती है, तो उसे हम जमुना बोलते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। अंत में यह नदियां गंगा के साथ मिलकर सुंदरबन, ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं और पद्मा से मिल जाती हैं। अंत में यह मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस पॉइंट में विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली जो असम में स्थित है, इसका इमेज आपको दिख रहा है। दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली असम में स्थित है, जिसका इमेज आपको दिख रहा है। वर्ल्ड देखिए, ब्रह्मपुत्र की उत्तर सहायक नदियाँ एक तरफ और ब्रह्मपुत्र की दक्षिण सहायक नदियाँ एक तरफ, इसको याद रखिएगा। देखिए उत्तर सहायक नदियों में सुवनसिरी, कमेंग, मानस, तिस्ता, पगलादिया यह नदी का नाम है, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र की दक्षिण सहायक नदियों में देखिए बूढ़ी, दिहांग, धनसिरी, कपिली नदियाँ, ये जो दक्षिण सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की, ध्यान दीजिए। एक पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन, तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि बाढ़ और मार्ग परिवर्तन और तटीय अपरदन के लिए जानी जाती हैं यह ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं। और आपको उत्तरी सहायक नदियाँ और दक्षिणी सहायक नदियों को याद रखने हैं। अब इन सभी नदियों को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल से देखेंगे। और नेक्स्ट है लोहित नदी, यह पूर्वी तिब्बत के जयाल पर्वत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में बहती है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है, यह पॉइंट नोट करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। खून की नदी को किसे जाना जाता है, लोहित नदी को। नेक्स्ट है सुवनसिरी नदी, इसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत में है। यह नदी तिब्बत,
असम अरुणाचल प्रदेश में बहती है। इस नदी को पूर्ववर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, वह नदी जो पहाड़ों को काटकर बहती है उसे पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो पूर्ववर्ती नदी में सुबनसिरी नदी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हम नेक्स्ट देखते हैं तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और वह ब्रह्मपुत्र से जाकर मिल जाती हैं। तीस्ता नदी के तट पर जलपाईगुड़ी शहर स्थित है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रंगीत नदी। यह रंगीत नदी पूरे विश्व में जल क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध है और यह रंगीत नदी सिक्किम में अवस्थित है। धनसिरी नदी नागालैंड में स्थित लौसांग पर्वत चोटी से निकलती है और नागालैंड के दीमापुर और असम के गोलाघाट जिले में 352 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती हैं। ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट, नागालैंड के दीमापुर और असम के गोलाघाट में 352 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती हैं। बराक नदी, देखिए बराक नदी मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है और मणिपुर मिजोरम असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट है, बराक नदी को ही बांग्लादेश में सुरमा नदी कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सुरमा नदी किसे कहा जाता है, तो बराक नदी को कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट करिए। यह मणिपुर के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढालों से निकलती है सुरमा नदी। नेक्स्ट है मानस नदी। यह नदी तिब्बत से मिलने वाली यह एक पूर्ववर्ती नदी है। बृहद हिमालय में एक महाखंड का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है। लघु हिमालय में इसके प्रवेश के पश्चात अनेक नदियां आकर मिलती हैं और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। तो मानस नदी को ध्यान दीजिएगा कि यह बृहद हिमालय में एक महाखंड का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती हैं और लघु हिमालय में इसके प्रवेश के बाद अनेक नदियां आकर इसे मिल जाती हैं और यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर मिल जाती हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि देश का सबसे लंबा पुल, सड़क और रेल जो दोनों साथ में हैं, इसका नाम है बोगी बिल पुल जो शहर डिब्रूगढ़ में है और नदी ब्रह्मपुत्र में बनाया गया है, जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। इसे हम डबल डेकर पुल के नाम से जानते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इमेज में दिख रहा है कि इस पुल पर सड़क और रेल दोनों यातायात के लिए बनाए गए हैं। नाम, शहर, नदी और लंबाई याद रखिएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं देश का सबसे लंबा पुल, सड़क पुल। दोस्तों यह सड़क पुल है, नाम ढोला सादिया पुल, शहर ढोला सादिया में, नदी लोहित जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है उस पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और यह वर्तमान में सबसे लंबा पुल है। ध्यान दीजिएगा यह देश का सबसे लंबा पुल है, सड़क पुल है, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है। इमेज के माध्यम से आप नहीं भूलेंगे कभी, तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा बहुत। नेक्स्ट है कैसा होगा देश का सबसे लंबा ब्रिज जो असम के धुबरी को मेघालय के फुलवारी से जोड़ेगा। दोस्तों जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है कि यह पुल जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर और जिसकी लंबाई 19.3 किलोमीटर है और इसका कार्य चल रहा है और 26-27 में कार्य ख़त्म होगा और यह असम के धुबरी को मेघालय के फुलवारी से जोड़ेगा पुल, तो यह देश का सबसे लंबा ब्रिज होगा, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम ब्रह्मपुत्र नदी को डिटेल से पढ़े।
प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलिए ताकि मेरी हर एक अपडेटेड और टिकी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों मेरे वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, इसी तरह की वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।